गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.6 विच इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दैट पाई आर स्क्वायर एच. राइट, अब ये सिलेंडर है हमारा, तो ये सिलेंडर में जो एरिया ऑफ बेस है वो हमारा क्या है, 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर है और जो एरिया है वो है हमारा पाई आर स्क्वायर. अब ये दो चीज कई बार दी होती क्वेश्चन में, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वैसेल इज 132 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस जो दिया है वो हमें 132 दिया है. सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर 132. तो पहले हम यहाँ से आर फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, आर 22 6 जा 2 3 जा आर इज इक्वल टू 7 और चला गया 21 सेंटीमीटर. उसके बाद इसने बोला कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो मैंने आपको बताया था कि वाटर कैन इट होल्ड, होल्ड मीन्स हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेसल दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. अच्छा, एच हमें दिया हुआ है, एच हैज बीन गिवन. एच क्या दिया हुआ है हमें, 25 सेंटीमीटर. ठीक, तो पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 आर है 21 है, एच 25 है ना, 21 into 25 7 3 20. इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें इसको करना है हाउ मच, हाउ मेनी लीटर्स, उसने लीटर के लिए बोला है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे. किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर में. तो लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो वेसल कैन होल्ड द वाटर इक्वल टू 34650 अपॉन 1000 या जाएगा 34.65 liters. ये आंसर, गॉट इट. इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बेटा. दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से उतार लो, समझ लो. राइट, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें बोला है इसने द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 और आउटर डायमीटर 28 हाइट 35. तो लिखेंगे इनर डायमीटर 24, रेडियस कितना हो गया 12, आउटर डायमीटर 28, रेडियस कितना हो गया 14, हाइट भी दिया हमें 35 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, सब सेंटीमीटर में है. फाइंड द वेट ऑफ द पाइप ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ वुड हैज अ वेट ऑफ 0.6. तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द पाइप. वेट ऑफ द पाइप हम निकालेंगे तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इनटू गिवन वेट, जो हमें वेट दिया हुआ है. तो वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे, 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इंटू 0.6. ठीक है,
पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, तो पाई एच तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 0.6। इसको हम सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एक्सटर्नल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सिलेंडर, तो पाई 22/7 इंटू 35 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 0.6, 7 5 35 110 इंटू 196 माइनस 144 इंटू 0.6। इसके बाद देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम पूरा, दिस इज टू बी सॉल्व। Now, वन वन जीरो इंटू 0.6 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3432। Solve this. आप क्या करेंगे, सर 1000 में लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम, तो आ जाएगा 3.432 के लिए, जाएगा 3.432 के जी। बट इट इस तरह से इस क्वेश्चन को आप, तो ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा 3.432 केजी। गॉट इट? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कैलकुलेशन वाइज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। देखो क्वेश्चन समझना ध्यान से, सॉफ्ट ड्रिंक है एक तो सिलेंड्रिकल कैन में है, ठीक है, और ये क्या है हमारी
क्यूबॉइडल गैंग में, तो उसने पूछा कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, कितना ज्यादा है, और किसका, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। ठीक है, तो पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, किसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका। ठीक है, इसका हाइट और इसका रेडियस ये हमें देना पड़ेगा, दिया हुआ है इसने ये। तो बेस डायमीटर 7 है, 3.5 हो गया। ठीक, रेडियस, हाइट कितनी है, 10 है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टिन कैन जो है रेक्टेंगुलर वाला, उसकी लेंथ 5, 4 और 15 है, 5, 4 और 15। हम निकालेंगे वॉल्यूम, इसका निकालेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर 3.5 एच 10 है, पॉइंट हटाए नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 5 जा, तो ये आ गया हमारा 110 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, प्लास्टिक सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 3.5 हो रहा है ना, दोबारा देख लेते हैं, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, इसको काटा 11, तो 11 5 जा 55, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, होता है L into B into H, which will be 5 into 4 into 15, तो आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो वी कैन सी से दैट कि प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, तो वी कैन राइट दिस, सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ, 385 माइनस 300 विच विल बी 85 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट, इस तरह से आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। 4 में क्या है, इफ द लेटर सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 94.2, LSA 94.2, LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 2πRH, ये दिया हमें 94.2, इसमें हाइट दी है 5, हमें R निकालना है, तो 2 इंटू इसमें दिया 3.14 गिवन है, अगर गिवन है तो 3.14 आएगा, अदरवाइज 22/7 आएगा, हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 94.2, पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, ये 3 का भी चला गया पूरा, ये हटाया 10 आ गया। ठीक है, 10 10 जा 100 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 5 से 5 कट गया, आर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, आर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, आर 3 आ गया। अब आप यू कैन फाइंड इजली फाइंड द वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 और आर आ गया 3 इंटू 3, हाइट है 5, पॉइंट हटाया नीचे 100, 5 टू 10 20, और 20 से इसको डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बेटा, काइंडली नोटेड डाउन।
दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।